अफजल शेख, गोंडवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। चेंबूर के इंद्रानगर ठक्कर पप्पा कॉलोनी में सरकारी जगह पर सालों से चल रहा है अवैध डंपिंग का काम। साथ ही डंपिंग की सारी धूल मिट्टी से हो रहे हैं यहाँ के रहने वाले लोगों को तकलीफ, लेकिन इनकी परेशानी प्रशासन को दिखाई नहीं देती। भारत भर में स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के घर से निकलने वाले गंदे पानी के लिए नाली तक नहीं बनी। सारा पानी घर के सामने ही जमा होता है और इस पानी से बच्चे हो रहे हैं बीमार। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त क्यों नहीं कर रहा है कार्रवाई? इससे मालूम पड़ता है कि मुंबई महानगर पालिका के सभी अधिकारी की मिलीजुली सरकार से चल रहा है ये डंपिंग का काम। 24 घंटे गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। डंपिंग ग्राउंड में 24 घंटे चलता है लोडिंग और अनलोडिंग का काम, जिससे इंद्रानगर बप्पा कॉलोनी में रहने वाले लोग हो रहे हैं कई बड़ी बीमारियों का शिकार। सुनिए क्या कहना है यहाँ के लोगों का। पंडित जी नमस्कार, क्या कहेंगे? इस मिट्टी डाल रहे, ट्रक लेके जा रहे, उसके बारे में कितने दिन से यहाँ पर रहते हैं कॉलोनी? कितने दिन से रहने के लिए बहुत सारे। क्या इस डंपिंग ग्राउंड से आपको कुछ प्रॉब्लम है? सरकारी अधिकारी आपसे कोई बात करने आए थे अभी तक? नहीं, कोई अधिकारी नहीं है। क्या पुलिस बात करने आई? इस एरिया के ना कारपोरेटर बात करने हैं आपको? सोशल वर्क में कोई आया बात करने के लिए? नहीं। दोस्तों, यह कहना है कि कुछ यहाँ पर कॉलोनी है और ये माता जी बैठे और बोल रहे कि डंपिंग ग्राउंड से 2400 घंटा इस जगह पे काम चल रहा है, हम लोग को तकलीफ हो रहा है, बच्चे को तकलीफ हो रहा है, पानी आने जाने का गटर नहीं बना हुआ है। ये मिट्टी यहाँ कचरा जो डंप होता है, उसकी वजह से आपको क्या तकलीफें हो रही है? क्या तकलीफ है? मिट्टी है, मिट्टी आता जाता, उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? गर्भ बढ़ता है, कर नहीं सकता कोई, चाली वाला बोलता जब भी होता है। आपने कहीं कंप्लेंट नहीं किया इसके लिए? डंपिंग से आपको क्या तकलीफ है? पूर्ण वसन नहीं कर रही है, क्योंकि इसके अगल बगल में चालू है डंपिंग ग्राउंड। क्या यहाँ का भू माफियाओं के साथ मिला हुआ है मुंबई महानगर पालिका, मुंबई आयुक्त? आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ 2 मिनट के लिए आए हुए देखने के लिए इस मोहल्ले का क्या हाल है, और आप देख सकते हो पूरी मिट्टी हमारे ऊपर ही आ रही है जगह पे, और इनका क्या हाल होता होगा, ये 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, किस तरह से इनको प्रॉब्लम होती है आप देख सकते हो। पूरा मिट्टी ही मिट्टी है, ये पीछे देख सकते हो पूरा डंपिंग का कचरा, राबिट और सारी गंदगी यहाँ पे हो रही है। ये देखिए पूरी कचरा, देखिए 2 मिनट आदमी यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आती रहेगी। शुक्रिया।